your page number 31

joining the indecis mitten or सब मिलकर बहते हुए इन मिठनकोट के मकाम पर इंडस को ज्वाइन करते हैं इन समर द स्नो एंड आइस इन द माउंटेंस मेल्ट एंड द वाटर फ्लोज इन टू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स गर्मियों में जबकि पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ पिघलती है तो वो पानी बहता हुआ दरियाओं में आ जाता है दिस इज़ वाई द इंडस बिकम्स अ फास्ट फ्लोइंग रिवर एट दिस टाइम इस टाइम पर इंडस रिवर बहुत तेज़ी से बहरा होता है इट इज़ आल्सो वाई फ्लड्स

मुख्तलिफ जगहों पर पानी को स्टोर किया जाता है प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर देयर क्रॉप्स और किसानों को उनकी फ़सलों के लिए पानी फ्राहम किया जाता है अ लार्ज पार्ट ऑफ़ द पापुलेशन लिव्स इन दिस एरिया बहुत सी पाकिस्तान की आबादी यहाँ पर मौजूद है आबाद है मोस्ट ऑफ़ आवर बिग सिटीज़ इन टाउंस और इन द इंडस प्लान और इंडस प्लान के साथ ही हमारी बहुत बहुत से बड़े शहर और टाउन्स हैं नौका मंदा पेज नंबर थर्टी टू डेजर्ट्स नाओ वी आर रीडिंग अबाउट अवर डेजर्ट्स अवर हमारे सहरा अलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट द प्लेन आर नाट ड्रेंड बाय रिवर पाकिस्तान में ईस्टर्न बॉर्डर एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट में कोई भी दरिया नहीं है जमीन ज़मीन जो है वो बंजर है द सॉइल इज़ सेंडी एंड इट इज़ नॉट फर्टाइल यहाँ की ज़मीन रेटली है और सरखेज़ नहीं है देयर इज़ लिटल वेजिटेशन हल्की हल्की सी छोटी मोटी सी झाड़ियाँ हैं दीज आर द डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान ये पाकिस्तान के सहरा हैं दिन द मेन डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर दरान डेजर्ट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ बलोचिस्तान अब पाकिस्तान के अहम सेहरा कौन से हैं इनमें में खारान डेजर्ट है बलूचिस्तान में द थर्ड डेजर्ट लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड जेहलम रिवर्स इन पंजाब इसी तरह थर्ड डेजर्ट है जो कि इंडस और जेहलम रिवर पंजाब में इंडस और जेहलम के दरियाओं के दरम्यान में है द थर्ड डेजर्ट विच इज़ द सेवन लार्जस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ पार्शली लोकेटेड इन पंजाब एंड पार्शली इन सिंध और थर्ड डेजर्ट जो है जो कि दुनिया का सातवां बड़ा डेजर्ट है Uh, उसका कुछ हिस्सा पंजाब में और कुछ हिस्सा सिंध में है द चोलिस्तान डेजर्ट लोकेटेड इन पंजाब इसी तरह चोलिस्तान का डेजर्ट जो है वो पंजाब में वाक्य है नाउ रीडिंग अबाउट वैलीज अ वैली इज़ अ लो लैंड एरिया बिटवीन माउंटेंस एंड हिल्स वैलीज आर फॉर्म्ड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर और मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स वैली इज़ अ लो लैंड एरिया बिटवीन माउंटेंस एंड हिल्स वैली कौन सा इलाका होता है वो एरिया जो कि बड़े बड़े दरिया बड़े बड़े पहाड़ों और छोटी छोटी पहाड़ियों के दरमियान में नी होता है वैलीज़ आर फॉर्म्ड बाई फास्ट फ्रोइंग वाटर और मूविंग ऑफ ग्लेशियर्स वैलीज़ ज़्यादातर जो है वो तेज़ी से बहते हुए पानी या ग्लेशियर की मूवमेंट से बनती हैं सम फेमस वैली वैलीज इन पाकिस्तान आर कोटा मरी हन्सा गिलगित नीलम कागान एंड सवात एक्सेट्रा और पाकिस्तान की चंद मशहूर वैलीज़ में कोयटा मरी हन्सा गिलगित नीलम कागान और सवात की वैलीज शामिल हैं नाउ दिस इज़ डन हियर